ताकत आपके अंदर समावेश नहीं होगा, आप कभी उससे कामयाब नहीं हो सकते। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, ब्लाइंड बिलीव करो, अंधा भरोसा अपने अपलाइन पर और अंधा भरोसा अपने काम पर, इसकी पूजा करो, तब देखना क्या ताकत आती है, क्या हिम्मत आती है। देखो, बीवी पे शक करोगे रिश्ता टूट जाएगा, हाँ है ना? दोस्त पे शक करोगे दोस्ती छूट जाएगी, यस और नो? पापा से झगड़ा करोगे माँ बाप का रिश्ता टूट जाएगा, यस और नो? को जैसे ही विश्वास टूटा रिश्ता छूटा, सिंपल है। या तो करना नहीं, करना है तो तन मन धन, अपना भगवान, अपनी पूजा, अपना समर्पण। सिर्फ एक चीज को समझना है, अपने अपलाइंट को और अपनी कंपनी को। मैं बताता हूं इंसान में कितनी ताकत है, इंसान में कितनी हिम्मत है, इंसान कितना पावरफुल है। आज जून के महीने में लोग भोलेनाथ की कांवड़ लेके आते हैं 300 किलोमीटर पैदल चल के, यस और नो? नंगे पैर, नंगे पैर। वो जून की गर्मी में कोई 100 मीटर पैदल चल के दिखाए, ये हिम्मत, ये पावर कहां से आती है? जो औरत, जो लेडीज, जो बूढ़े 4 कदम नहीं चल सकते, वो वैष्णो माता की चढ़ाई चढ़ जाते हैं, जय माता की 13 किलोमीटर की। ये यकीन, ये पावर, ये ऊर्जा, ये ताकत कहां से आती है? ये आती है सच्चे यकीन से, सच्चे विश्वास से कि यह भगवान है। ऐसा यकीन आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ सक्सेस है, यहाँ सफलता है, एस्लिपियस मेरी जिंदगी है, ये मंदिर है, यहाँ से मैं बहुत बड़ा बन सकता हूँ। ऐसा यकीन अगर किया तो वो हिम्मत आपके अंदर आएगी, वो पावर आपके अंदर आएगी। कैसे काम होगा, कैसे अचीवमेंट आएगी, भूख नींद प्यास सब खत्म, और एक दिन सेलिब्रिटी बनकर जश्न रॉयल आपका होगा और आप कह दोगे महिपाल सर ये तो आपका दिन है, एक दिन हमारा भी दिन। बात समझ में आ रही है? और तीसरा कारण और आखिरी कारण, दो कारण है छोटे छोटे से। नंबर एक, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ होती है इसलिए आज मैं ये मैसेज दे रहा हूं, नहीं तो मैं और मैसेज देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब लोग यहां काम ना कामयाब हो जाते हैं, हल्ला मचा रहे, ताली बजा रहे, पता चला अब दो हफ्ते से काम ही नहीं कर रहा, तो मुझे बड़ा दिल टूटता है यार, इसी करेगा क्या, ये कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है। अगर ये काम कोई आदमी नहीं कर सकता ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर तो देसी काम है, हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, कोई आपको साइंटिफिक यहां पर इन्वेंशन नहीं करनी। तीसरा कारण, आप लोग यहां काम करते हो, आपने देखा होगा, इंसान को अगर तरक्की चाहिए, सक्सेस चाहिए, कुणाल सर बता रहे थे तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, यस ही इज राइट, इस दुनिया में दो तरह के दुख है और दो तरह के सुख, मानसिक दुख, मानसिक सुख, शारीरिक दुख, शारीरिक सुख। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति काम करके बड़ा नहीं बना, जो भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, वो आलसी है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो कमजोर है, वो अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता, शरीर को दुख देना नहीं चाहता। और याद रखना, वो महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, किसी को भी देखो घर छोड़ के बैठे हैं, आया ना? रोज रात को घर की रोटी नहीं खाते, आज इस शहर में, कल उस शहर में, आज इस शहर में, आज उस शहर में, दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके अचीवमेंट हासिल हो, शरीर को थपा देते हैं, 4-4 घंटे सोते हैं मात्र, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं पर उनके जैसा करना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ी विडंबना है। ऐसा कोई मैथमेटिकल का एलजेब्रा फॉर्मूला नहीं है शिव कुमार के पास कि वो बन गया और तुम नहीं बन सकते। ऐसा अनु शर्मा, ऐसा कोई भगवान के घर से कुछ ऐसा लेके पैदा नहीं हुआ कि वो जादू की छड़ी इसके पास है कि ये बन सकता और तुम सब नहीं बन सकते। तुम सब बन सकते हो, सब कर सकते हो, पर शारीरिक दुख लेना नहीं चाहते। और याद रखना, जो शरीर को दुख नहीं लेना चाहता उसे कभी मानसिक सुख नहीं मिलता। महेंद्र सिंह धोनी डेली घर से बाहर रहता है, फ्लैट में रहता है, आज बेंगलोर में खेलता है, चेन्नई में खेलता है, नागपुर में खेलता है, घर नहीं जाता, घर नहीं रहता, लेकिन वो जाता किस में? फ्लैट में, मानसिक सुख। रहता कहाँ है? 7-स्टार होटल में, मानसिक सुख। खाता क्या है? मर्जी का। हमारी क्या हालत है? हम मजबूरी की जिंदगी जीते हैं, लेकिन वो लोग मर्जी की जिंदगी जीते हैं। ये फर्क है।
जो शरीर को कष्ट देता है, पसीना बहाता है, मेहनत करता है, वो मर्जी की जिंदगी जीता है, और जो इस शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता वो मजबूरी की जिंदगी जीता है। जितने लोगों को आज मानसिक दुख है वो कौन लोग हैं जो सरकार से रोज कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो, साला चार घंटे काम नहीं करना, कर्जा माफ करो। मैं कहता हूं मोदी जी इनका कर्जा माफ मत करवाओ, ना नेटवर्किंग ज्वाइन करवाओ। आप टेंशन मत लो, सिस्टम हम बदल देंगे। आप तो कहते ही हो सबका विकास सबका साथ, ये जितने कर्जा माफी वाले सबको हमारे पास भेजो, सलाइड स्लाइड बना देंगे कि बैंकों को कर्जा बांट देंगे, लेना नहीं पड़ेगा। ये कौन कराते हैं कर्जा माफ? अब बोलते जी किसानों के बारे में सोचो, किसान की मैं हालत बताता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, सुबह खेत में